नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो फिनटेन में और आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल। शुरू करते हैं फिनटेन की पहली खबर से, जहां शेयर मार्केट आज फिर धराशाह हो गया। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर मार्केट में गिरावट थम नहीं रही है। सेंसेक्स 808 पॉइंट्स और निफ्टी 50 200 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में गिरावट और 9 शेयर में तेजी देखी गई। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, तो 37 शेयर्स में गिरावट और 13 शेयर्स में तेजी हुई है। एक्सपर्ट्स के माने तो निवेशकों के करीब 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस गिरावट के मुख्य कारण दूसरी तिमाही के चिंताजनक नतीजे, HDFC बैंक की कमजोर ग्रोथ जिससे बैंकिंग इंडेक्स कमजोर हुआ, क्रूड ऑयल में आई तेजी और ईरान इजराइल के बीच चिंताजनक स्थिति है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सोना और चांदी के दाम की बात करेंगे। आज सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन अगर बात करें त्योहारी मौसम की, तो उसके मद्देनजर इनकी मांग और दाम दोनों में बढ़ोतरी की संभावनाएं देखी जा रही है। मांग को बनाए रखने के लिए भारत के जो ज्वेलरी निर्माता जैसी कंपनीज है, बात करें चाहे तनिष्क की, मलाबार गोल्ड की, PC ज्वेलर्स, रिलायंस जू, सेंको गोल्ड आदि, सभी ने ऑफर्स की बरसात शुरू कर दी है। कोई सोने और चांदी के सिक्के तो कोई मेकिंग चार्जेस में छूट दे रहे हैं, और कोई हर खरीदी पर कूपन और गिफ्ट दे रहे हैं, ताकि बढ़ते भाव में खरीदारी में कोई कमी ना आए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां क्रूड ऑयल के दामों में भारी तेजी देखी गई। हफ्ते भर में क्रूड ऑयल के दामों में भारी तेजी देखी गई है। अगर बात करें इनके दाम की, तो करीब 8% तक बढ़ गए हैं, और अगर इसराइल ईरान पर बड़ा हमला करता है तो यह दाम और भी बढ़ने की आशंका है। बात करें भारत, चीन और यूरोप की, तो इस जंग को रोकने की कोशिश जारी है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों को इससे काफी नुकसान तय है। अगर मुख्य कारणों की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन है, उनकी बयान है कि इसराइल इजराइल के तेल के ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकता है, यह बात भी बताई जा रही है। अगली खबर में FIIS विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारत से चीन की ओर रुझान देखा गया है। FIIS ने भारत से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में करीब ₹15,243 करोड़ रुपीस के शेयर बेचे गए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार FIIS का छिन्नर में निवेश करने का मुख्य कारण चीन के बाजारों का सस्ता वैल्यूएशन है, फिर चीन सरकार के इकोनॉमी को दिया बड़ा राहत का पैकेज भी है। अगर बात करें रियलिटी सेक्टर की, तो रियलिटी सेक्टर को एक बड़ा पुश और सस्ते कर्ज का ऐलान है, इसके चलते FIIS का चीन में निवेश करने का सेंटिमेंट मजबूत है। हालांकि शॉर्ट टर्म में भारत को नुकसान हो सकता है, पर अगर बात करें हम लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में निवेशकों के भारत के बाजार में लौटने की पूरी संभावना है। फिनटेन में कैबिनेट बैठक में किसानों की आय में सुधार के लिए एक अहम फैसला। किसानों की आय और फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार ने ₹1,01,321 करोड़ का बजट आवंटित किया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी है। इन दोनों योजनाओं पर सरकार 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा एडिबल ऑयल मिशन को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें ₹10,103 करोड़ आवंटित किए गए, जिसे अगले 7 सालों में लागू किया जाएगा। फिनटेन में अगली खबर, 5 भाषाओं को क्लासिकल कैटेगरी में जोड़ने का सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने 5 भाषाओं को क्लासिकल कैटेगरी में जोड़ने का एक फैसला लिया है। ये भाषाएं हैं मराठी, बंगाली, प्राकृत, असमिया एवं पाली। आपको बता दें कि इन सभी भाषाओं का भारतीय विचार, इतिहास और संस्कृति पर कलालित प्रभाव है, और ये ज्ञान, आध्यात्मिकता और दर्शन की भी भाषाएं हैं। अगली खबर फिनटेन में, जहां PM इंटर्नशिप स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। जी हां, युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें 21 से 24 साल के युवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच यह युवा चुने जाएंगे, और 2 दिसंबर से इसका पहला बैच चालू होगा। सरकार इस प्रोग्राम पर ₹800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। करीब 177 कंपनियों ने इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। विस्तार से इस प्रोग्राम को जानने के लिए हमारे फाइनेंस सेक्शन में PM इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिनटेन में 8वीं खबर रियल एस्टेट से, जहां रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां अपने फैसले से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल बिल्डिंग्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देने की इजाजत दे दी है। जी हां, इस फैसले से कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा और किरायेदारों पर किराए का आर्थिक बोझ कम किया है। इस फैसले से कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा और किरायेदारों पर किराए का आर्थिक बोझ कर होगा। इस फैसले को सरल भाषा में अगर हम बात करें और समझें, तो अब तक कमर्शियल प्रॉपर्टी को बनवाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता था, और किरायेदार भी दिए गए किराए पर इसका क्लेम नहीं कर पाते थे।
इसके साथ साथ 18% जीएसटी, जी हाँ 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इस फैसले से ऐसा क्लेम किया जा सकेगा। फिनटेन में नौवीं खबर, जहां एप्पल के प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत में त्योहारी मौसम के मद्देनजर एप्पल कंपनी ने, जी हाँ एप्पल ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एप्पल फेस्टिव ऑफर का ऐलान किया है। बात करें एप्पल की तो एप्पल के सभी उत्पादों पर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। यह ऑफर 31 दिसंबर 2024 तक लागू है। एप्पल का यह ऑफर एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है। डिस्काउंट के अलावा बात करें तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस के बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट कैशबैक उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ प्रमुख बैंकों से 12 महीने की नो कॉस्ट EMI का ऑफर भी दिया जा रहा है। फिनटेक में आखिरी खबर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 25%, जी हाँ 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। मौजूदा त्योहारी मौसम को देखते हुए यह बढ़ोतरी और ज्यादा देखने की संभावना है। ईवी कारों में महिंद्रा और टोयोटा की बिक्री सबसे ज्यादा देखी गई है। अगर हम बात करें टू व्हीलर सेगमेंट में तो ओला स्कूटर्स और TVS मोटर का बोलबाला रहा है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की सेल में भी 10%, जी हाँ 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी और बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी बिक्री में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण है। तो आज के लिए फिनटेन इज साइनिंग ऑफ एंड ऑलवेज रिमेम्बर, सेफ इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज हैप्पी इन्वेस्टिंग। हमारे साथ देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर को।